लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा देना, यही है कांग्रेस की सरकार का छत्तीसगढ़ मॉडल। एक तरफ जहां पूरा देश महंगाई और कम होती आमदनी को लेकर परेशान है, छत्तीसगढ़ के लोगों की औसत कमाई में करीब 12% का उछाल आया है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार लगभग सभी को रोजगार प्रदान करने में सक्षम रही है। एक और महत्वपूर्ण निर्णय में सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले बच्चों से फीस नहीं लेने का भी फैसला किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का भी ध्यान रखा है। गरीबों के हाथों में अधिक पैसा देने के लिए सरकार ने मनरेगा श्रमिकों और तेंदुपत्ता संग्राहकों के वेतन में भी पर्याप्त वृद्धि की है। सरकार शहरी गरीबों को घर बनाने के लिए मोर जमीन मोर मकान और मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के तहत अतिरिक्त 1 लाख रुपए भी देगी। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गरीबों की आय बढ़ाने और गरीबी कम करने के लिए सरकार ने अतिरिक्त 450 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत लगभग 10 लाख भूमिहीन मजदूरों को वार्षिक 7,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। कांग्रेस सरकारों का मुख्य उद्देश्य ऐसी योजना बनाना है जिससे लोगों को सीधे लाभ मिले और अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान करे। भूपेश बघेल द्वारा शुरू की गई इन योजनाओं ने न केवल अपने उद्देश्य को प्राप्त किया बल्कि स्वयं पीएम से सराहना प्राप्त की है।